दोस्तों, अगर आप हमारे कोई इंडियन स्कूल में पढ़ाई करते हो या कर चुके हो तो आपको पता ही होगा कि हमारे इन स्कूल्स की एजुकेशन क्वालिटी दुनिया में कहां स्टैंड करती है और हमें कैसे भेड़ बकरियों की तरह नॉलेज के नाम पे रट्टा मरवाया जाता है। उसके ऊपर ऐसे बेतुके रूल्स, अगर आप स्कूल में एक मिनट भी लेट हो गए तो मुर्गा बनना पड़ेगा, जो सीट दी है उसी सीट में बैठना है। एक फैक्ट्री की तरह स्कूल की घंटी डिसाइड करेगी कि आपको क्या पढ़ना है, कब खाना है और किधर जाना है। अगर बाथरूम जाना हो तो टीचर से परमिशन की भीख मांगो। It's very important, huh? और यदि आपने कोई गलती कर दी ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल्स में बच्चे पढ़ाई करने नहीं बल्कि यस सर यस मैम ऐसी जी हुजूरी करने जाते हैं। मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता नहीं मेरी बात सुनो, डॉक्टर तभी बनना जब अंदर से चाहत हो, वरना अगर शर्मा जी का ऑपरेशन करते समय तुम्हें रियलाइज हो गया कि तुम्हें डांसर बनना है तो बेचारे शर्मा जी के लिए तो मुश्किल ही हो जाएगा। और आजकल तो हद ही हो गई है, बच्चों को प्राइमरी स्कूल से कोचिंग मिलना शुरू हो जाता है और कई कोचिंग कंपनीज अनजान पेरेंट्स को झूठे सपने दिखा के लाखों रुपए तक लूट लेते हैं। इधर 7 साल के बच्चे को लोग कोडिंग क्लासेस बेच रहे हैं, बोलते हैं गूगल में काम करोगे। भाई उनको पहले गूगल करना तो सीखने दो, फिर गूगल में काम करवाना। और वैसे भी दोस्तों, इतनी सारी पढ़ाई हम सिर्फ एक चीज के लिए करते हैं, वो है एग्जाम। बट एग्जाम खत्म होते ही क्या होता है, याद क्या रहता है? घंटा कुछ याद नहीं है, जो पढ़ा वो भूल गए, याद रहा बस प्यार मोहब्बत 3 साल का डिप्लोमा है ना। काफी स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि हम एग्जाम खत्म होने के 3 दिन बाद 95% पढ़ी हुई सारी चीजें भूल जाते हैं। तो असलियत में एग्जाम हमारा नॉलेज नहीं चेक करता, तोते की तरह रट्टा मारने की एबिलिटी चेक करता है। इसी वजह से बच्चों में कुछ नया करने की और सीखने की उत्सुकता खत्म हो जाती है और वो भीड़ में कहीं खो जाते हैं और कई डिप्रेशन में चले जाते हैं। 2020 के वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम रैंकिंग में भारत टॉप 30 में भी नहीं आता। सच कहूँ तो दोस्तों, अगर आप हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखोगे तो काफी कम बच्चे हैं जिन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रहा है। स्टेट बोर्ड और गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन की हालत खराब है, आधे बच्चे स्कूल आते नहीं और जो आते हैं उन्हें पढ़ाई के नाम पे कंट्रीज के कैपिटल्स और बॉर्डर्स रट्टा मरवाया जाता है। इस स्कूल सिस्टम का ओरिजिन इंडस्ट्रियल एज से आया था, जो ब्रिटिश ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। इंडस्ट्रियल ओनर्स को चुपचाप काम करने वाले और फैक्ट्री की घंटी को फॉलो करने वाले लोग चाहिए थे। यहाँ पे क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ऐसे स्कूल्स में पैसा लगा के फैक्ट्री वर्कर्स के बच्चों को ऐसे पढ़ाना शुरू कर दिया। और इंडिया में आज तक हम ऐसा सिस्टम फॉलो करते आ रहे हैं। तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम का हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, कुछ करने से पहले हमें दूसरे कंट्रीज से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। देखा गया है कि यहाँ के बच्चे मैथ्स, साइंस और रीडिंग में दुनिया के टॉप स्कोरर्स में से आते हैं। इनका हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट दुनिया में सबसे कम है और उनके बच्चों का हैप्पीनेस इंडेक्स हमेशा हाई रहता है। तो ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं? दोस्तों, उनके बच्चे 7 साल की उम्र तक तो स्कूल भी नहीं जाते। ये उम्र होती है खेलने कूदने की और बच्चे बनने की, ना ही कोडिंग सीखने की। उनके क्लासेस दिन में सिर्फ 4 घंटे होते हैं, फ्रॉम 9 to 1, जिसमें उनको 1 घंटा तो ब्रेक मिलता है। उनका पहला एग्जाम होता है जब वो 16 साल के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो सारे एग्जाम स्किप करके सीधा बोर्ड एग्जाम देते हैं। ये सब के बावजूद ये बच्चे दुनिया के टॉप स्कोरर्स में से एक आते हैं और वहाँ कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि इन बच्चों को रट्टा मारना नहीं, क्यूरियस होना सिखाया जाता है। उनका सिलेबस ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे बच्चे जिस चीज में इंटरेस्टेड हैं उस फील्ड में उनकी जागरूकता बढ़े। और अगर आप किसी चीज में क्यूरियस हो तो उस चीज के बारे में जानने की आप पूरी कोशिश करोगे। उसके ऊपर उनके टीचर्स को हफ्ते में 2 घंटे सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्लासेस अटेंड करने पड़ते हैं ताकि वो बेटर टीचर्स बने। हाँ, मैं मानता हूँ कि इंडिया में ये चेंजेस रातों रात नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे देश का कल्चर, पॉपुलेशन और इकोनॉमी फिनलैंड से बहुत अलग है। इसलिए इस चीज की शुरुआत तभी होगी जब हमारी एजुकेशन की तरफ सोच बदलेगी, और उसकी शुरुआत होगी मुझसे और आपसे। एजुकेशन सिस्टम में एक रिवॉल्यूशन की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बच्चे सिर्फ दूसरों के लिए काम करना सीखेंगे, उनकी खुद की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो प्लीज इस वीडियो को अपने जानकारों के साथ शेयर कीजिए और हमारे जनरेशन का अवेयरनेस बढ़ाइए। इसके साथ हमें कमेंट्स में भी बताइए कि हमारा स्कूल सिस्टम कैसे चेंज हो सकता है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। घंटा कुछ याद नहीं है, जो पढ़ा वो भूल गए, याद रहा बस प्यार मोहब्बत 3 साल का डिप्लोमा।